असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आखिरी ड्राफ्ट जारी। 40 लाख लोगों को नहीं मिली नागरिकता। 3 करोड़ 29 लाख कुल जनसंख्या में से 2 करोड़ 89 लाख को नागरिकता मिली। एनआरसी ने कहा यह सिर्फ ड्राफ्ट है, आखिरी लिस्ट नहीं। ड्राफ्ट में 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे लोगों के हैं नाम। जिनके नाम नहीं है वो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक कर सकते हैं अपील। 7 जिलों में धारा 144 लागू। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। एनआरसी जारी होने से पहले सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कहा एनआरसी में नाम नहीं तब भी वो भारतीय होंगे। असम में 40 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिलने के बाद विरोध में उतरी टीएमसी। संसद में दिया स्थगन प्रस्ताव। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट का समन। 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का दिया निर्देश। सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर लिया संज्ञान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। सीआरपीएफ के जवान नसीर अहमद को आतंकियों ने मारी गोली। शहीद नसीर अहमद ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले छुट्टी पर घर आए हुए थे। आतंकियों का नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। शहीद सीआरपीएफ जवान नसीर अहमद को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दी गई अंतिम विदाई। शहीद की अंतिम यात्रा में जुटे सैकड़ों लोग। परिवार में मातम। शहीद नसीर के परिवार में उनकी पत्नी, एक बच्चे के साथ 3 भाई और माता पिता हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का चेन्नई के कावेरी अस्पताल में इलाज जारी, लेकिन हालत स्थिर। 94 साल के करुणानिधि पिछले कई महीनों से हैं बीमार। हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों का भारी जमावड़। आज है सावन का पहला सोमवार। तड़के 4 बजे से मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़। श्रद्धालु शिवलिंग पर कर रहे हैं जलाभिषेक। सावन इस बार शनिवार से शुरू हुआ। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे। सावन के रंग में रंगा मध्य प्रदेश का उज्जैन। बाबा महाकाल की भस्म आरती और पूजा अर्चना में डूबे भक्त। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर पर भी भक्तों की लगी भीड़। शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। भगवान भोले के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के बैजनाथ धाम में भी शिव भक्तों की भीड़। ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंज रहा है बाबा धाम। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता। सुबह से पूजा अर्चना जारी। बिहार की राजधानी पटना में शिवालयों में भक्तों के बोलबम की गूंज। पहले सोमवार पर मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता। सुबह से मंदिरों के बाहर लगी लंबी कतारें। राजस्थान के कोटा में अनोखा शिव मंदिर। 525 शिवलिंग पर हजारों भक्तों का जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। यूपी के संभल के शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों ने बाबा भोले पर चढ़ाया बिलपत्र और धूप। सावन महीने की शुरुआत होने के मौके पर हरिद्वार के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी वाली लाइट से सजाया गया। सजावट के बाद मंदिर की छटा बेहद खूबसूरत दिखी। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने बिलपत्र के साथ किया शिवलिंग का जलाभिषेक। हरिद्वार और वाराणसी समेत गंगा तट से जल लेकर चले कांवड़िए। मंदिर में सुबह से भोले शंकर की कर रहे हैं पूजा अर्चना। इलाहाबाद के मन कामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भगवान शंकर के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। जलाभिषेक के लिए मंदिर के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। यूपी के गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी भोले के भक्तों का लगा तांता। फूल बिलपत्र के साथ लोग हरिद्वार से गंगा जल लाकर कर रहे हैं जलाभिषेक। के मथुरा के गोपेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। भगवान शंकर के गोपी रूप की पूजा की जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1 अगस्त से NH-58 वन वे होगा। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में सुबह से हो रही है भोले शंकर की पूजा। फूल बिलपत्र से भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। दिल्ली के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में भी बम बम भोले के जयकारे। शिवलिंग की आराधना में डूबे भक्त। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रशासन का तुगलकी फरमान। बल्लभगढ़ के शनि मंदिर में घंटा बजाने पर लगाई रोक। जिला प्रशासन ने कहा घंटा बजाने पर पाबंदी नहीं, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई के वक्त लाउड स्पीकर और घंटा ना बजाने को कहा। अत्रि कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना में उफान। दिल्ली के यमुना के किनारे के निचले इलाकों में भरा पानी। हरियाणा से छोड़े गए करीब 7 लाख क्यूसेक पानी से दिल्ली की यमुना का जलस्तर बढ़ा। तड़के 4 बजे 205.60 के स्तर को छुआ। दिल्ली में यमुना के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। पुराने यमुना के पुल पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद। दिल्ली का लोहा पुल बंद होने से 27 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। 7 ट्रेनों के रूट बदले गए।
दिल्ली में बाढ़ को लेकर किए गए इंतजाम पर केजरीवाल के दावों की खुली पोल। बाढ़ की वजह से विस्थापित लोग स्ट्रीट पर सोने को मजबूर। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बनाया गया कंट्रोल रूम। बाढ़ के वक्त आपात स्थिति में 1077 पर किया जा सकता था। यमुना के पास का खादर जैसा इलाका जहां करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। दिल्ली में बीती रात हुई झमाझम बारिश, उफनती यमुना के बीच बारिश से लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। यूपी के मथुरा में भी यमुना उफान पर निचले इलाकों में पानी घुसा। मथुरा में उफनती यमुना में कुछ लोग लगा रहे हैं मौत की छलांग। बंगाली घाट पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर खतरनाक स्टंट। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी उफान पर, गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाला पैदल पुल मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में समाया। फंसे मजदूर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। रस्सी के सहारे लटक कर मजदूर उफनती मंदाकिनी पार करने को मजबूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब। हर्षिल तिलगाड़ के पास गंगोत्री धाम में 150 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे। पूर्वी यूपी के साथ उत्तराखंड और बिहार के अलावा पूर्वी भारत में भी भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में बारिश और आसमानी बिजली से 3 दिन में 70 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा सहारनपुर में 11 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से लखनऊ शहर हुआ पानी पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी। यूपी के शामली में नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत। कृष्णा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से बहे गोताखोरों को शव की तलाश के लिए लगाया गया। एमपी के भिंड में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, जलभराव से कई घर डूबे, चारों तरफ पानी ही पानी। बिहार के पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकाला गया बारिश का पानी। जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू तक पानी घुसने से बढ़ गई थी मरीजों की मुसीबत। कल पटना के एनएमसीएच अस्पताल परिसर और मरीजों के वार्ड में घुटने भर पानी घुस गया था। अस्पताल के आईसीयू में भी पानी घुस गया था। यूपी के वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, बदला गया नित्य आरती का स्थान। हिमाचल में बारिश के बाद शुरू हुआ लैंडस्लाइड का सिलसिला। मंडी में पहाड़ खिसकने से 5 गांव के 80 घरों को जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में निर्माणाधीन इमारत झुकी, पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली करवाया। 18 जुलाई से शाहबेरी गांव में 6 मंजिला इमारत गिरने से हुई थी 9 लोगों की मौत। हादसे में चल रही है मजिस्ट्रेट जांच। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में एक बिल्डिंग के झुकने से इसे खाली करवाया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने खाली करवाया बिल्डिंग। लखनऊ में पीएम ने रखी 60,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला। कहा जिस स्पीड से यूपी तरक्की कर रहा है उससे $1 बिलियन चुनौती पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पीएम मोदी बोले जब नीयत साफ हो तो उद्योगपतियों के साथ रहने से दाग नहीं लगता। पीएम ने इशारों में कांग्रेस पर किया हमला। कहा कुछ लोगों की उद्योगपतियों के साथ तस्वीर नहीं मिलेगी लेकिन बड़े उद्योगपति उनके दरबार में दंडवत जरूर होते रहे। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा खुद को लोहियावादी बताने वाले लोग रात के अंधेरे में उद्योगपतियों से मिलते हैं। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारों ने निवेश के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार ने 5 महीने में 60,000 का निवेश धरातल पर लागू कर दिया। यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उन्होंने किया ऐलान। 9 से 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने कहा एसएल ग्रुप के 90 साल होने के समय 2016 में हमने पीएम और तब के राष्ट्रपति के सामने वादा किया था कि अब जो भी नया काम करेंगे उसमें सामाजिक पर्यावरण का हित होगा या रोजगार होंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने 2 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा भी रहे मौजूद। यूपी परिवहन विभाग इन बसों को शुरू में 45 दिनों की ट्रायल सेवा पर चलाएगा। जी मीडिया ने देश पर जान न्योछावर करने वाले जवानों के परिवारों का किया सम्मान। जयपुर में हुए खास कार्यक्रम में शामिल हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। मोटर वाहन कानून में बदलाव के लिए परिवहन मंत्री गडकरी ने सभी दलों की बैठक बुलाई। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने उठाए थे सवाल। दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी लगाने की योजना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल की रिपोर्ट फाड़ी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बुलाई आरडब्ल्यूए की सभा में मंच से फाड़ी रिपोर्ट। केजरीवाल ने सीसीटीवी को लेकर उपराज्यपाल की रिपोर्ट को गलत बताया। कहा लोकतंत्र में जनता की मर्जी चलेगी, सीसीटीवी कहां कहां लगाए जाएंगे ये दिल्ली पुलिस नहीं आरडब्ल्यूए तय करेंगे। सीसीटीवी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से सफाई। एलजी हाउस ने कहा कमेटी की रिपोर्ट अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है जिसे जनता से सलाह लेने के बाद ही लागू किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी की, वजहों का खुलासा फिलहाल नहीं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रैक्टर प्रतियोगिता के दौरान हादसा, सैकड़ों लोगों की भीड़। यहां धान मंडी की शेड पर चढ़ गई, टूटने से 50 से ज्यादा लोग जख्मी। लखनऊ की IIM रोड पर एक स्कूल वैन की डंपर से टक्कर, वैन में सवार कई बच्चों को लगी चोट।